बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 21 न्यू क्लियर फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हाफ लाइफ। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर के अंदर मैंने आपको न्यू क्लियर ट्रांसम्यूटेशन के बारे में पढ़ाया था, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके, और उससे पिछले लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी को पढ़ा था। तो अगर आपने रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी डीके को अच्छे तरीके से समझ लिया है ना, तो फिर ही आपको हाफ लाइफ समझने में मज़ा आएगा। बच्चे, हमारी बुक के अंदर ना कुछ फार्मूलाज हैं, उनको डायरेक्ट लिखा गया है, उनकी डेरिवेशन नहीं की गई। तो मैं आपको डेरिवेशन कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि वो फार्मूलाज आए कहाँ से हैं, ठीक है। और MDCAT से रिलेटेड हम कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाफ लाइफ। आपको याद है कि इससे पिछले लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी डीके पढ़ा। जब कभी अल्फ़ा और बीटा डीके होती है, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके, तो उनमें से कुछ एटम्स टूट जाते हैं, डीके हो जाते हैं। तो हाफ़ लाइफ से मुराद एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के हाफ़ एटम्स डीके हो जाते हैं। तो बच्चे तवज्जो करेंगे, हाफ लाइफ, हाफ का मतलब तो होगा ना आधी, लाइफ इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम को टी से, हाफ का मतलब है टी के नीचे 1/2 लिखेंगे। तो हाफ लाइफ को टी, कैपिटल टी, उसके साथ 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब है 1/2 मतलब 0.5, हाफ, और टी का मतलब क्या, लाइफ। लाइफ इज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन देखें जी, द हाफ लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द हाफ लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डेड टाइम, ये वो टाइम होता है, इज डेड टाइम इन विच, जिसके अंदर हाफ ऑफ द एटम्स डीके, जिसके अंदर आधे एटम्स टूट जाते हैं। अच्छा जी, इसके नीचे अगर आप थ्योरी देखेंगे ना, तो बुक वाला कहता है, वो 2 से 4 लाइनें आपने अंडरलाइन कर लेनी है, मैं आपको समझा देता हूँ। बुक वाला कहता है, जनाब हाफ लाइफ से मुराद है जिसमें आधे एटम्स डीके हो जाते हैं। अब वी कैन नॉट फोरटेल का मतलब होता है बच्चे पेशीन गोई या पेशन गोई, हम ये पेशन गोई नहीं कर सकते कि कौन सा एटम कब टूटेगा। यानी कि जिस तरह आपके पास मकई के दाने हो जिनको आप भून रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा दाना कब पकेगा, तो नहीं बता सकते। तो हम ये तो बता सकते हैं कि आधे एटम्स डिके हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितनी देर में होंगे, क्या उनको 1 साल लगेगा या हजारों साल लगेंगे, कि कौन सा एटम कब डिके होगा, ये भी नहीं बता सकते। लेकिन इतना ज़रूर है, किसी भी एटम को मुकम्मल तौर पर डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, इन्फिनिट टाइम, और वो इन्फिनिट टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी एटम्स मुकम्मल तौर पर डिके नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चे ज़रा तवज्जो करेंगे, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक वाला कहता है जी, वी हैव एन सैम्पल, हमारे पास एक सैम्पल है जिसके अंदर एटम्स हैं जी 1,00,000। तो हमारे पास 1,00,000 एटम्स हैं, तो आफ्टर 1 डे, अगर इसकी हाफ लाइफ 1 डे है, तो मुझे बताएं 1,00,000 अगर एटम्स हैं तो हाफ एटम्स डीके हो जाएंगे। 1,00,000 का हाफ करें क्या आ जाएंगे, 50,000। अच्छा, फिर 2 दिनों के बाद क्या आ जाएगा, इसका भी हाफ कर दें, 50,000 का हाफ कर दें, 25,000, ठीक है। 1,00,000 का आधा किया 50,000, 50,000, फिर उसका हाफ कर दें 25,000, फिर उसका हाफ कर दें 3 डे के बाद, तो 25,000 का क्या बन जाएगा, 12,500। और ये सिलसिला चलता ही जाएगा, और किसी भी एटम को मुकम्मल डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। और बच्चे डिके कांस्टेंट को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप जहन में रखिएगा, मैंने हेडिंग लगाई है। अब इसकी डेरिवेशन मैं करता हूँ, तो ज़रा तवज्जो करेंगे, डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एन क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, डेल्टा एन क्या है, जो डिके हो गए हैं,
ठीक है, एंड डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। जब आप गौर करें इक्वेशन नंबर वन और टू की लेफ्ट साइड तो सेम है ना, कि डेल्टा एन जो डिकेइंग एटम्स हैं वो नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे अगर मैं इक्वेशन वन और टू को कंबाइन इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, तो बेटा क्या आ जाएगा, वन और टू की लेफ्ट साइड तो सेम है ना, डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू, अब जरा यहां पे तोजो कीजिएगा, कांस्टेंट मैं पता क्या लिखूंगा, माइनस लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट है। माइनस का मतलब है कि ये डेफिशिएंसी को शो कर रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, डेफिशिएंसी कहते हैं ना कमी को, तो माइनस लैम्डा कांस्टेंट आएगा एन इंटू डेल्टा टी। तो बच्चे इधर से हमने लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा आप निकाल लें, माइनस ए वाला इधर आ जाएगा, माइनस डेल्टा एन, मैं साथ में रीअरेंज भी कर रहा हूँ, लैम्डा कैलकुलेट करना है ना, लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस इधर आ गया डेल्टा एन, ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा एन डेल्टा टी। ये चीज़ समझ आई आपको, डेल्टा एन है ना, एन डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो मैंने साथ में उसको रीअरेंज भी कर दिए। अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन, ये जो एन डिनोमिनेटर में है इधर चल जाएगा, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। लें जी ये जनाब छोटा सा प्रूफ आपके सामने आ गया डिके कांस्टेंट का, लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, और यही इधर से ही इसकी डेफिनेशन निकलेगी। बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रेशो ऑफ ये रेशो है ना दो चीज़ों की, द रेशो ऑफ किसकी रेशो है दो चीज़ों की, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, द रेशो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, इधर देखें द रेशो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चे एन क्या है, नंबर, नंबर का कोई यूनिट होता है नहीं, नीचे भी नंबर है तो नंबर, ये भी नंबर है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये आप लोग नोट करेंगे कि डिकेइंग कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो सेकेंड नहीं है, पर सेकेंड है। हमारा न्यूमेरिकल भी इस फॉर्मूले से सोल्व होगा, बहरहाल डिके कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट है वो पर सेकेंड है, टाइम का यूनिट सेकेंड है ना, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। और याद रखेंगे जो जो डिके कांस्टेंट है ना ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, जगह कम है जरा मैं मेन लफ्ज़ लिख रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये लैम्डा जो है ना लैम्डा, इसका यूनिट अक्सर बच्चों को याद होता है मीटर होता है, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना वो क्रस से लेके क्रस तक, लेकिन इधर मीटर नहीं है, इधर लैम्डा वेवलेंथ को जाहिर नहीं कर रहा, इधर लैम्डा डिके कांस्टेंट को जाहिर कर रहा है। और इसका फिर यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट, और बेटा याद रखेंगे लैम्डा नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन लैम्डा टेम्परेचर, ये आप लिख लेंगे साइड पे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डेंसिटी एंड प्रेशर। तो लैम्डा एक डिके कांस्टेंट है जो किसी भी एलिमेंट की नेचर के ऊपर तो डिपेंड करता है, अलबत्ता टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज इनडिपेंडेंट। तो लैम्डा का डिके कांस्टेंट का कोई चक्कर नहीं है। अब हम रेडियो एक्टिव लॉ को पढ़ते हैं, तो जरा देखें इसी इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूं, इसी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। ये देखे ना, ये जो इक्वेशन हमने प्रूव की है डीके कांस्टेंट की, इसी को ही मैंने इधर लिखा है। अब ये रेडियो एक्टिव लॉ की डेरिवेशन मैं करने लगा हूँ, जरा आप तोजो करेंगे, ये छोटा सा प्रूव किया, इसका जो आंसर आया इसी को ही बेस बना के हम आगे प्रूव करेंगे रेडियो एक्टिव लॉ। अब बच्चे जरा तोजो करें, डेल्टा एन ओवर एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एन ओवर एन
इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी। ज़रा इस चीज़ को समझें, नहीं समझ आई दोबारा देखें। डेल्टा टी डिवाइड हो रहा ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा डेल्टा टी आ गया, माइनस इधर मैं शिफ्ट कर दी है, ठीक है। तो डेल्टा एन ओवर एन को मैंने एक साइड पे निकाला है, समझ आ गई, साथ में रीअरेंज भी कर दिया है। अब बच्चे, जो बच्चे तो आप में से नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनको तो शायद इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो, और होगा भी यकीनन, क्योंकि वो मैथ की बुक में पढ़ते भी हैं। चैप्टर 3 पूरा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन ही है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। लेकिन अब मसला यहाँ पे आता है, जो बच्चे मेडिकल करते हैं वो तो बायो पढ़ते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो इंटीग्रेशन पढ़ी नहीं हुई। अब वो बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं हुआ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बच्चे आप परेशान नहीं होना, थोड़ा सा चीज़ को बस समझ लेंगे, ठीक है। तो इधर मैथमेटिक्स की एक टर्म है इंटीग्रेशन, तो आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग द इंटीग्रेशन, या आप ये भी लिख लें यूजिंग इंटीग्रेशन। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, मैथ वाले बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन जो बायो वाले बच्चे आप थोड़ा सा हजम कर लें। फिर इंटीग्रेशन लेंगे जी दोनों साइडों पे, ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल्टा एन ओवर एन को वन ओवर एन इंटू डेल्टा एन को मैं लिखूँगा डी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी। आपने गौर किया, मैंने दोनों तरफ ये इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया, ठीक है। माइनस लैम्डा डेल्टा टी एज इट इज आ गया, डेल्टा एन ओवर एन को मैंने वन ओवर एन को अलहदा किया है, और डेल्टा एन को मैंने डी एन लिख दिया है, ये डेरिवेटिव होता है ना। और जब भी बच्चे इंटीग्रेशन लेते हैं ना, आप लिमिट ज़रूर लेते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इधर मैं क्या लिखूँगा, एन नोड से लेके लोअर लिमिट होगी इसकी एन नोड, और अपर लिमिट होगी एन इसकी। लोअर लिमिट होगी टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी तक, यानी कि ये टाइम, इधर टाइम है तो टाइम की लिमिट आ जाएगी, इधर नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उनकी लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इंटीग्रेशन का एक रूल होता है बच्चे, कि जब वन ओवर एन की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वन ओवर एन की, वो होती है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। अब ये वन ओवर एन की इंटीग्रेशन है, वन ओवर एन की जो इंटीग्रेशन है ना, वो नेचुरल लॉग होती है। बायो वाले बच्चे थोड़ा सा हजम करें, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग एन, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग एन नोड इज इक्वल टू, समझ आइए आपको, वन ओवर एन तो होगा ना नेचुरल लॉग, अपर लिमिट नेचुरल लॉग एन माइनस नेचुरल लॉग एन नोड, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट है, माइनस लैम्डा बाहर निकाल लें, इधर फिर बच जाएगा वन, और वन की इंटीग्रेशन होगी टी, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी टी, ठीक है। तो इधर मैं टी लिख देता हूँ, वन की इंटीग्रेशन होगी टी। और बच्चे नेचुरल लॉग एन माइनस एन नोड को ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग एन ओवर एन नोड इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। अब आप कहेंगे सर याद रखें, मैथमेटिक्स में एक रूल है, जब दो चीज़ें माइनस हो रही हो ना तो वो डिवाइड होती हैं, तो नेचुरल लॉग कॉमन आ जाएगा ना, एन माइनस एन नोड माइनस हो रहा है तो ये डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए ना हम एंटी लॉग लेते हैं, तो याद रखेंगे एंटी लॉग और नेचुरल लॉग एक दूसरे का उलट है। तो आप लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग। तो बच्चे एंटी लॉग और एंटी लॉग कहते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ई इंटू नेचुरल लॉग एन ओवर एन नोड इज इक्वल टू ई, अब ये पावर में चला जाएगा ना फिर, ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ई कहते हैं एंटी लॉग को। और याद रखें नेचुरल लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का ओपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एन नोड डिवाइड रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, ई और नेचुरल लॉग, एन इज इक्वल टू एन नोड डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एन नोड ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यही तो हमने प्रूव करना था, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव लॉ, एन इज इक्वल टू एन नोड ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब ये इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी आपको, जाहिर बात है थोड़े से रूल आप याद कर लें चलें, एन इज इक्वल टू एन नोड ई की पावर माइनस लैम्डा टी, दिस इज कॉल्ड
रेडियो एक्टिव ला। अब कुछ बच्चे अगर ये कहेंगे सर ये करना ज़रूरी है, अगर आपकी बुक में नहीं की हुई तो आप ना करें बेशक, लेकिन इक्वेशन ज़रूर कर लें। फिर मैंने करवाई क्यों है बच्चे, ये वाली इक्वेशन आपके चैप्टर 21 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चनों में यूज़ हुई है, तो ये आपकी बुक में इसका जिक्र ज़रूर आता है। बच्चे पूछते सर ये कहाँ से आई है, तो उसी का जवाब देने के लिए ये काम किया है। अब हम पढ़ेंगे, देखें पहले हमने ये प्रूव किया, इस इक्वेशन को डीके कॉन्स्टेंट की इक्वेशन ली और रेडियो एक्टिव लॉ का प्रूव किया। अब हम रेडियो एक्टिव लॉ लेंगे, रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या है जी, एन इजिकल टू एन नोड ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब रेडियो एक्टिव लॉ की इक्वेशन से हम रिलेशन बनाएंगे, किसका रिलेशन, बिटवीन डीके कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ। अब ये फिर आपकी बुक में कैलकुलेशन की हुई है, बुक वाले ने तो बस इतना लिखा हुआ है यूजिंग कैलकुलस, अब आगे पूरी डेरिवेशन है। तो रेडियो एक्टिविटी लॉ की इक्वेशन लेंगे, अब बच्चे जरा तवज्जो करेंगे, सपोज डैट एन इज इक्वल टू एन नोड ओवर टू, एन नोड ओवर टू का मतलब क्या है, हाफ, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएंगे। ये कब होगा, जब टी इज इक्वल टू टी, जब टाइम हो जाएगा हाफ लाइफ के इक्वल, ठीक है। तो ज़रा वैल्यू पुट करवा दें, एन की जगह पे क्या पुट करवाएंगे, एन नोड ओवर टू इज इक्वल टू एन नोड ई की पावर माइनस लैम्डा, और टी की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल टी वन ओवर टू, यानी कि जब टाइम हाफ लाइफ के इक्वल हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ हो जाएंगे, वन ओवर टू का मतलब होता है हाफ। तो मैंने एन की जगह पे एन नोड ओवर टू लिखा है और स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी वन ओवर टू लिखा है, तो बचे एन नोड से एन नोड कैंसल, तो बाकी क्या बचा, वन ओवर टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी वन ओवर टू, ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, ये टू उधर चला जाएगा, वन ओवर ई की पावर माइनस लैम्डा टी वन ओवर टू इज इक्वल टू टू। समझ आया आपको, यानी कि ई नीचे आ गया टू उधर चला गया, ठीक हो गया। अब ये माइनस पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस, तो माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा टी वन ओवर टू इज इक्वल टू टू। अब बच्चे जरा तोजो करेंगे, हमने आपको याद है नेचुरल लॉ को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया था, अब इधर एंटी लॉग को ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग लेंगे, ऑपोजिट होता है ना एक दूसरे के, तो आप लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो बच्चे क्या होगा, नेचुरल लॉग और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ई लैम्डा टी वन ओवर टू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग टू। तो नेचुरल लॉग और ई एक दूसरे का ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टी वन ओवर टू, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज कॉल्ड डिके कॉन्स्टेंट, और टी वन ओवर टू क्या है, हाफ लाइफ। तो ये ई और नेचुरल लॉग तो कैंसिल हो गए, ये पावर अब नीचे आ जाएगी, लैम्डा टी वन ओवर टू। अगर आप कैलकुलेटर लें ना, कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग टू निकालें, तो बच्चे कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग टू निकालेंगे 0.693 आता है, और यही तो हमने प्रूव करना था, यही आपकी बुक में इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन से आपका तीसरा न्यूमेरिकल भी सोल्व होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल चैप्टर 21 के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लैम्डा इज कॉल्ड डीके कॉन्स्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ डीके कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693। अब ये कहाँ से आया, ये टू का नेचुरल लॉग है। तो आपने देखा कि ये ज़रा पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं कि डीके कॉन्स्टेंट की इक्वेशन ली, डीके कॉन्स्टेंट की इक्वेशन को बेस बना के हमने रेडियो एक्टिविटी लॉ प्रूव किया, रेडियो एक्टिविटी लॉ की इक्वेशन से हमने हाफ लाइफ का और डीके कॉन्स्टेंट का रिलेशन फाइंड आउट किया। अब हम निकालते हैं बच्चे मीन लाइफ, ज़रा आप तोजो करेंगे, इसी फार्मूले को मैं इधर लिखता हूँ। मीन लाइफ क्या होती है, ज़रा तोजो करें, लैम्डा टी वन ओवर टू इज इक्वल टू 0.693, ऐसी है ना, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टी वन ओवर टू हाफ लाइफ इज इक्वल टू, हम मैं लिख सकता हूँ इसको, वन ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0.693, यानी कि लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब ये मैंने क्या कर रहा हूँ बच्चे, तवज्जो कीजिएगा, जो वन ओवर लैम्डा होता है ना, वन ओवर लैम्डा को ही हम मीन लाइफ कहते हैं, वन ओवर लैम्डा को मीन लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी फिर रिलेशन, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे,
इधर मैं लिख दूंगा टी, टी के साथ मैं लिख दूंगा मीन ज़रब 0.693। अब यही एम डी कैट में भी चीज़ें यूज़ होती हैं, आप इसको एम सी क्यूज़ की नज़र से ज़रूर तैयार करेंगे। यानी कि अगर आपके पास मीन लाइफ दी गई हो तो आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। जो भी मीन लाइफ दी है उसको 0.693 से मल्टीप्लाई करवा दें, हाफ लाइफ आ जाएगी। अच्छा, अब इसका उलट सोचें ज़रा, अगर आपको हाफ लाइफ दी है तो मीन लाइफ कैसे आएगी? टी मीन इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/0.693 इंटू हाफ लाइफ। तो आप कैलकुलेटर लें और 1/0.693 कर लें, 1/0.693, तो ये बेटा आता है हमारे पास 1.44। तो ये एम डी कैट के अंदर ट्रिक्स भी होती हैं, आप फार्मूले याद कर लें। टी मीन इज इक्वल टू 1.44 T1/2। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अगर आपने ये डेरिवेशन याद नहीं ना करनी तो जो जो मैंने फार्मूले हाईलाइट किए हैं आपने फार्मूला ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। यानी कि देखें, अगर आपको हाफ लाइफ दी हुई है तो मीन लाइफ निकल आएगी। मैंने इसको डिवाइड करके आंसर निकाला 1.44। हाफ लाइफ दी है ना, जो भी हाफ लाइफ दी गई हो उसको 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन लाइफ आ जाएगी। बस फार्मूला याद कर लें। और अगर आपको मीन लाइफ दी है उसको 0.693 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ लाइफ आ जाएगी। और अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी क्या है। असल इक्वेशन यही है एक्टिविटी के लिए ना, ये वाली जो इक्वेशन है ना बच्चे, इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ, जरा तवज्जो करें। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर एन इंटू डेल्टा टी। ज़रा तवज्जो करें, मैंने इस इक्वेशन को लिखा है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन, ये जो एन इधर है इधर नीचे आ जाएगा ना, डेल्टा एन ओवर एन इंटू डेल्टा टी। एक्टिविटी का रिलेशन कैसे निकाल लें, तो ये जो एन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा एन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। समझ आई आपको कि नहीं आई? यानी कि एन डिवाइड हो रहा था ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी को मैंने अलग कर दिया है। और ये फार्मूला आया कहाँ से? ये वही डिके कॉन्स्टेंट का फार्मूला है जो हमने इधर प्रूव किया था, आपको याद होगा। और बच्चे ज़रा तवज्जो करेंगे, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी को ही एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ डिकेइंग एटम्स ना। तो इसकी जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, तो लैम्डा एन इज इक्वल टू ए, तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी ए के इक्वल आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर लें, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन, और इसकी एक और फार्मूला भी बनता है, ए इज इक्वल टू ए नोड ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये जिस तरह नहीं हमने निकाला था, एन इज इक्वल टू एन नोड ई की पावर माइनस लैम्डा टी, बिल्कुल इसी तरह एक्टिविटी के भी दो फार्मूले हैं। ज़रा तवज्जो करें, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन और ए इज इक्वल टू ए नोड ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसका भी प्रूव है लेकिन मैं नहीं करवा रहा, बस आप दो फार्मूले याद रख लें एक्टिविटी के। यानी कि एक्टिविटी की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ डिके कॉन्स्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिकेइंग, नंबर ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट। तो लैम्डा और एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगा। और ए इज इक्वल टू ए नोड ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने एन इज इक्वल टू एन नोड ई की पावर माइनस लैम्डा टी को कैलकुलेट किया। तो ये जितने भी फार्मूलाज हैं बेटा, आप इनको पॉज करके इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो जी बेटा, अब ज़रा गौर करेंगे, आपकी बुक की ना साइड पे ग्राफ बना हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर जो कर्व बनेगी ना, उस कर्व को मैं नाम दूंगा डिके कर्व का, ठीक है। तो ये हेडिंग मैंने डिके कर्व की लगाई है। अगर ये हाफ लाइफ गुजरी है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स हैं जी एन नोड, ठीक है, वन हाफ लाइफ के बाद। फिर टू हाफ लाइफ के बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आधे हो जाएंगे, 1/2 n नोड हो जाएगा। तो आप इधर x एक्सिस और y एक्सिस को मिलाते भी जाएं, ठीक है। फिर थ्री हाफ लाइफ के बाद और हाफ हो जाएंगे, n नोड के साथ 1/2 लिखा था ना, अब 1/2 के साथ फिर 1/2 लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/4 n नोड, उसका भी हाफ हो गया, ठीक है। अब इसका फिर हाफ कर दें,
क्या आ जाएगा, 1/4 का भी, 1/8 n node, यानी कि 1/2 से आपने मल्टीप्लाई करवाते जाना है, तो ये 4 half-life एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और जब आप इन सारे डॉटेड पॉइंट को मिलाएंगे, आपके पास ये इस तरह की कर्व आएगी। और बच्चे इसी कर्व को डिके कर्व कहते हैं। और मैंने बार बार जो इसके फार्मूले लिखने हैं, आपकी बुक वाला कहता है जी हम एक जनरल फार्मूला ही बना देते हैं, एन इज इक्वल टू 1/2 n इंटू एन नोड, ठीक है। और ये फार्मूला याद रखेंगे, ये जो n है ना, ये जो n है ये अनडिकेड एटम्स हैं, यानी कि जो आपके अनडिकेड एटम्स हैं, 1/2 n, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1/2 आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 1/4, अगर n की वैल्यू 3 है तो 1/8। तो ये जनरल फार्मूला बस आपने याद कर लेना है। और याद रखेंगे इस कर्व को डिके कर्व भी कहते हैं, और ये एक्सपोनेंशियल कर्व होती है, इस कर्व को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। हमने पढ़ा था ना n = n node e की पावर, e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। तो ये अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला आ गया जनरल। और बच्चे कुछ MCQs आप लोग नोट करेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी हाफ लाइफ लार्ज होती है, और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी हाफ लाइफ स्मॉल होती है। अब ये किस्म का रट्टा ही है, ठीक है, रट्टा लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अब आपको MCQs के लिए याद करना पड़ेगा। यूरेनियम 238 की जो हाफ लाइफ है ना बेटा, वो होती है 4.5 × 10^9 ईयर्स, और रेडियम 226 की हाफ लाइफ होती है 1620 ईयर्स, 1620 ईयर्स, 1620। और ये तो देखना बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनकी हाफ लाइफ स्मॉल होती है, रेडोन गैस की 3.8 डेज है सिर्फ, और यूरेनियम 239 की। अब आप 238 वाले देखें सालों में, लेकिन 239 की देखें 23.5 मिनट है। और आखिर में आपकी बुक अलग कहता जी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब जो तो अनस्टेबल होते हैं वो तो खुद ब खुद शुआएँ खारिज करते रहते हैं, लेकिन जो स्टेबल होते हैं ना उनके ऊपर वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन स्टेबल। अगर आपने इससे पीछे वाला लेक्चर सुना हुआ ना, जिसमें हमने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था स्टेबल एलिमेंट वो होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से लेस होता है। तो जो स्टेबल होते हैं ना उनके ऊपर बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए जाते हैं, फिर आपके स्टेबल एलिमेंट एक्साइट होके जब वो डी एक्साइट होते हैं ना तो वो फिर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जो अनस्टेबल होते हैं वो तो खुद ब खुद ही करते रहते हैं ना, लेकिन जो स्टेबल होते हैं फिर उनको आर्टिफिशियल यानी मसनूई तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाना पड़ता है। तो बच्चे दिस इज़ टुडे ऑल अबाउट लेक्चर, आपने ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।